हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए न्यू प्रोजेक्ट टॉपिक। इस प्रोजेक्ट टॉपिक को आप अपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए सबमिट कर सकते हो। आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे एफर्टलेस डीसी मोटर ऑपरेटेड कार जैक। सो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हाइड्रोलिक जैक, प्रोबो व्हील, बैटरी, डीसी मोटर। और रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने बना लिया है एक एलिमेंट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, सो स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, टीम लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम्स पुणे, इनके माध्यम से आपके लिए लेके आए एक नया मैकेनिकल मेका प्रोजेक्ट। सो ये जो प्रोजेक्ट है, ये है हाइड्रोलिक डीसी जैक, डीसी ऑपरेटेड जैक। फ्रेंड्स, ये जो हाइड्रोलिक जैक्स है, ये हाइड्रोलिक जैक्स आपके गाड़ी को, कार को या बहुत सारे जो भी आपको चीज़ें ऊपर उठानी है ज़मीन से, उसके लिए इस्तेमाल में ले सकते हो। लेकिन ये हाइड्रोलिक जॉक्स के आपके लिए एप्लीकेशंस के लिए आपको बार बार पंपिंग्स करवाना होता है। सो पंपिंग से हाथ भी दुखते हैं और सामान भी नीचे से ऊपर नहीं होता है। गाड़ी वगैरह ऊपर करने में बहुत सारी कठिनाई हो जाती है। सो दैट्स व्हाई हमने इसको डीसी मोटर से ऑपरेट करवाया है। अभी आप बोलोगे कि डीसी मोटर आपको कहाँ पर ऑपरेट कैसे हो सकती है, तो बैटरी पर ऑपरेट हो सकती है। जो भी गाड़ी को आप एक्चुअली ऊपर लेना चाहते हो, उस गाड़ी में इस प्रकार की बैटरी मौजूद ही होती है। सो दैट्स व्हाई वो गाड़ी को आपको एक लेवल से ऊपर लेके जाने के लिए इस प्रकार के हाइड्रोलिक डीसी जैक का जरूर उपयोग हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा के लिए भी आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हो और इसका प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट की प्रोटोटाइप है। प्रोडक्ट मीन्स प्रोटोटाइप ऑफ रियल प्रोडक्ट। सो नाउ यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें किस किस प्रकार के आपको इक्विपमेंट लगेंगे। सबसे पहले तो आपको इसको माउंट करने के लिए लगेगा इस प्रकार का एक फ्लाय, देन आपको लगेगा इस प्रकार का एक 3 टन का हाइड्रोलिक जैक, देन आपको लगेगा इस प्रकार का एक चक्का जिसके ऊपर से ये काम चलेगा, और एक मैकेनिज्म जो बना लिया है, स्कॉच योक मैकेनिज्म जैसे मैकेनिज्म होती है, स्कॉच योक मैकेनिज्म के माध्यम से आप ये इजिली कर सकते हो। सो स्कॉच योक मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे बना लिया है। साथ में आपको इसको लगेगा इस प्रकार का एक डीसी मोटर जो कि 10 आरपीएम का या 60 आरपीएम का आप इस्तेमाल में ले सकते हो, और एक बैटरी आपको इसके लिए लगेगा, और साथ में लगेगा ये बैटरी ऑपरेट करने के लिए एक स्विच। सो इतने कंपोनेंट अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल में लेते हैं तो ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। आप खुद भी इसे बना सकते हो, कोई भी दिक्कतें नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किस किस प्रकार के कंपोनेंट लगेंगे मैं तो आपको ये बता ही दिया हूँ। अगर आपको इस प्रकार के कंपोनेंट्स की जरूरत लगे तो आप हमारे दिए हुए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, या आपको इस प्रकार के रेडीमेड प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स चाहिए तो हम आपको आपके एड्रेस पे कुरियर भी कर देंगे, कोई भी दिक्कतें नहीं है। आपको उसके कुछ चार्जेस वो पे करने होंगे, हम आपको इस प्रकार के प्रोजेक्ट मॉड्यूल भी बना के देते हैं। सो चलो अभी थोड़ा समझ लेते हैं इसका मैकेनिज्म्स किस प्रकार से होता है। सो फ्रेंड्स, ये जो आपका पंपिंग का जो हैंडल्स होता है जिसको आप पंपिंग करते हैं, उसको मैंने ये स्कॉचोक मैकेनिज्म जैसा एक यहाँ पे मैकेनिज्म्स लगा दिया है जो कि इस प्रकार से आगे पीछे घूमता है, और ये आगे पीछे घूमने से ऑटोमेटिकली ये जो आपका पंपिंग एक्शन जो है, इस पंपिंग एक्शंस को वो एटोमाइज कर देगा, यानी नीचे ऊपर करते रहेगा। ओके, ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक ही हो जाता है इस प्रकार से, और ये चक्का घूमते रहेगा। तो ये चक्का जब घूमेगा तो ऑटोमेटिकली इसको लीनियर मोशंस में कन्वर्ट कर देगा आपके ये सर्कुलर मोशंस को, और ये लीनियर मोशंस की वजह से ये आपका वाला पंपिंग से आप होते रहेगा। सो ये जो पंपिंग्स है, ये हाइड्रोलिक्स पंपिंग्स की वजह से, या आपका यहाँ पे जो भी आपने गाड़ी का वगैरह कोई भी रखा हुआ है तो धीरे 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 आपको ऐसा ऊपर नज़र आते हुए दिखाई देगा। लेकिन उस लिए आपको पहले ये की से इसे खोल लेना है और तो भी ये काम करवाना है। सो यहाँ पे आपको इसका की भी दिया हुआ है। सो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म वर्क करता है। चलो मैंने आपको ये सारा बता दिया है, सिर्फ अभी हमें देखना है इसको पावर और देखना है इसका वाला डेमोन्स्ट्रेशन। तो चलो चलते इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। चलो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ एक जो नट्स है, आपको इस प्रकार के कीसे से पहले टाइट करवा लेना है और तो भी ये मैकेनिज्म वर्क्स में आता है। सो नाउ मैं इसे अभी ऑपरेट्स कर दिया है, इसको मैंने थोड़ा सा कस लिया है, अभी मैं इसे करता हूँ ऑपरेट। जैसे मैं इसे ऑपरेट्स करूँगा स्विच को, तो ऑटोमेटिकली आपका वाला ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। और ये देखो इस प्रकार से अभी ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। डीसी जैक, हाइड्रोलिक्स आपका जैक भी बाहर आना शुरू हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हो। धीरे 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 आपको ये जैक्स ऊपर नज़र आते हुए दिखाई देगा। ये देखो आपको अभी काफी ऊपर आ चुका है फ्रेंड्स, आप ऐसे देख सकते हो। तो ये डीसी ऑपरेटेड हाइड्रोलिक जैक आपको इस प्रकार से काम में लेके हम इस प्रकार से इसको काम में ले सकते हैं, और हमारा जो भी चीज है इसे ऊपर ले सकते हैं। देखो इतना जैक सभी बाहर निकल चुका है, तो आपको यहाँ पे मार्किंग्स भी दिखाई दे रहा होगा इस पर।
कोई भी चीज़ आप आसानी से इससे ऊपर ले सकते हो, कोई भी चीज़ आपको इससे आसानी से ऊपर में लेती आएगी। 3 टन का इसका वाला ई होता है। सो फ्रेंड, इस प्रकार से अभी ये प्रोजेक्ट 100% वर्क्स में आ चुका है। जैक भी वह काम करवा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आशा करता हूँ कि आप ये सारा समझ ले सकते हो। अभी चलो इसे मैं करता हूँ ऐसे ऑफ, और नीचे भी स्टिक करना है तो नीचे भी हम इसे कर सकते हैं। तो नीचे करने के लिए भी जैक सुपर आ चुका है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, सुनो इसे अगर हमें नीचे लेना है इस जैक को, सुनो बहुत इजीली मैं आपको इसको नीचे भी लेके दिखाता हूँ। बस इसे खोल देना है आपको, तो ये नीचे चला जाएगा फिर से। अगर आपको कोई भी गाड़ी नीचे लेके जानी है तो आपको बस ये टिल करके इस प्रकार से इसे खोलना है। थोड़ा सा जाम है इसे, थोड़ा खोलता हूँ मैं। फ्रेंड्स, मैंने इसे अभी थोड़ा सा जो जाम था इसका जाम्स निकाल दिया, इसे मैंने खोल दिया हुआ है। अभी अगर मैं इसे नीचे ढकेलना चाहूँगा तो इजीली ये नीचे चला गया हुआ है। तो इस प्रकार से ये मॉड्यूल वर्क करता है। आपको आशा करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।